उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बालिक युवती के साथ नाबालिग युवक द्वारा दैहिक शोषण करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता की शिकायत उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना आरंभ कर दी है। पाली SDOP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले में धारा 376 सहित विभिन्न धारा के तहत अपराध दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश आरंभ कर ली गई है। घटना संबंध में पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वह 11वीं कक्षा तक पढ़ी है। बीते 5 सालों से वह आरोपी युवक के साथ स्कूल आया जाया करती थी। इसी दौरान आरोपी युवक ने शादी करने की बात कहकर उसके साथ लगातार गलत काम किया, जिससे वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ये पाली थाना अंतर्गत ये ग्राम से एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें धारा 376 एवं अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और शीघ्र ही इसमें आरोपी गिरफ्तारी होगी। सर, इसमें बताया जा रहा है कि पीड़िता के गर्भ में 8 माह का बच्चा भी है। इसमें उसके परिजन आए हैं और इस मेडिकल के बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। सर, आरोपी की गिरफ्तारी होगी? आरोपी इसमें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।